ये तो बहुत लकी है, एक लड़के के लिए इतनी सारी लड़कियाँ। जरूर एक्सपेल किया होगा। Madam, your daughter is protesting against you. I can see that. Let's go. Excuse me. What's going on here? Get lost. पूजा मॉम, सुनो डीन, आप ये ठीक नहीं कर रहे। अगर विकी को इंसाफ नहीं मिला ना तो हम आपकी कार जला देंगे। Excuse me, हुआ क्या यहाँ पर? हम विकी के सपोर्ट में डीन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। Who the hell is Vicky? My boyfriend. वो मेरा boyfriend. नहीं, वो मेरा boyfriend है। झूठ मत बोलो। Vicky तुम्हारे लिए सिर्फ एक नाम हो सकता है, पर हम लड़कियों के लिए वो सब कुछ है। Hot, cute, वो और उसकी प्यारी प्यारी बातें मानो जैसे ग्रीक गॉड हो। लड़की उस पर फिदा है, उसके एक नहीं कई गर्लफ्रेंड्स हैं, वो सबके दिलों पर राज करता है। तो फिर उसे क्या हुआ? डीन की बेटी और विकी कंबाइंड स्टडी कर रहे थे और तभी डीन ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और डीन ने विकी को कॉलेज से एक्सपेल कर दिया। तो फिर विकी ने क्या किया? विकी ने कॉलेज में लीगल अपील की है, काउंसिल में उसे अपने बेगुनाही का सबूत देना है और आज ही वो दिन है। विकी काउंसिलर से मिल रहा है, प्रशांति रेड्डी, हेड काउंसिलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, एज 32, वेरी स्ट्रिक्ट। वो मर्दों से बुरी तरह पेश आती है, उनके स्टाफ में जितने भी मर्द हैं उन पर रोज अपना गुस्सा निकालती है और अपना ईगो सेटिस्फाई करती है। प्लीज प्रे फॉर विकी। अजीब कैरेक्टर है ना? फालतू कैरेक्टर है। Excuse me, miss. Hi. ये इंग्लिश भाषा भी ना, जो मिस नहीं है उन्हें भी मिस कहना पड़ता है। Where's the counselor's office? Thank you. Hey, तुम हिंदी बोलती हो? Oh, ego. अप्रैल 6 को रात को ठीक 11:30 बजे तुम डीन की बेटी मार्गरेट के रूम में क्या करने गए थे? एक्चुअली मार्गरेट थोड़ी स्ट्रेस में थी और मैं बस उसकी हेल्प कर रहा था। स्ट्रेस में थी? कैन यू एक्सप्लेन? यस मिस रेडी। अच्छा, जब आप स्टूडेंट थी तो एग्जाम टाइम में स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप क्या करती थी? मैं चॉकलेट खाती थी। हाँ, उन दिनों तो चॉकलेट से काम बन जाता था, पर आज का स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है। चॉकलेट खा लो, बिस्किट खा लो, कुछ नहीं होता। ह्यूमन टच की जरूरत पड़ती है। What? मैंने भी ठीक इसी तरह रिएक्ट किया था, पर एग्जाम टाइम में स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही थी। सुबह उसका एग्जाम था, पास होने के लिए उसे पढ़ना जरूरी था, पढ़ाई के लिए स्ट्रेस कम होना जरूरी था। स्ट्रेस को कम करने के लिए मैंने बस उसकी हेल्प की। एक तरफ थे मेरे वैल्यूज और दूसरी तरफ था मार्गरेट का करियर। वैल्यूज करियर, वैल्यूज करियर, वैल्यूज करियर, वैल्यूज करियर, वैल्यूज करियर। व्हाट डिड यू डिसाइड? वही जो सही था, वैल्यूज भुला दिए। सिर्फ मार्गरेट के करियर के खातिर, उसका स्ट्रेस कम करने के लिए उसने जो कुछ मुझसे कहा मैं बस करता चला गया। मेरी लगाम उसके हाथ में थी, शी फेल रियली हैप्पी। पर तभी उसकी मासूम माँ आ गई। विकी, शी डिडंट फील हैप्पी। मिस रेडी, आई एम नॉट गिल्टी, प्लीज हेल्प मी। मिस रेडी, आपके हाथ कांप रहे हैं, आपके दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही हैं, आपको तो पसीना भी आ रहा है। आई थिंक यू आर स्ट्रेस्ड। आप चॉकलेट खाएंगी? नो मिस रेडी, कॉल मी प्रशांति। Thank you.
पापा चाचू नहीं आ पा रहे, कुछ वीजा का इश्यू है। सॉरी, मैंने तुम्हें नहीं देखा। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। हिंदी बोलती हो? अरे एक्सक्यूज मी मिस, इंग्लिश भी बड़ी अजीब भाषा है, जो मिस नहीं होती है उन्हें भी मिस बोलना पड़ता है। हाय, आई एम विकी। तो उसमें मैं क्या करूं? एंड प्लीज डोंट फॉलो मी। हर लड़की पहले यही करती है, बाद में बहुत पछताती है। मैम प्लीज टेक योर सीट। I want to change my seat, please. Sorry, the flight is full. Flight full हो गई है निकिता। Short मैंने की, cute लगता है ना? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? नाम जाना तभी तो बगल की सीट ले पाया हूँ मैं। देखो विक्की, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो पर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जान चुकी हूँ। क्या जान चुकी हो? तुम्हारा नाम है विक्रम कृष्णा और तुम वेलिंगटन यूनिवर्सिटी से MS in फाइनेंस कर रहे हो। 2 साल के कोर्स को पूरा करने में 4 साल लगा दिए। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसमें तुम फेल ना हुए हो और तुम कॉलेज की हर लड़की का फिगर। तौबा तौबा तौबा, बोलने में शर्म आ रही है। ओके, थैंक्स। थैंक्स? पर किस लिए? देखो, अगर तुम ये सब कुछ मुझसे इंडिया में लैंड होने के बाद कहती तो मैं पूरा सफर तुम्हें पटाने में बर्बाद कर देता। अब मैं आराम से किसी और लड़की पर ट्राई करूंगा। क्या गारंटी है कि कोई और पट जाएगी? West 12D, 12D, 12D. वहाँ पे, वहाँ। Thanks. Excuse me, miss. Yes. बिल्कुल सही। हाँ सही है ना? देखिए वो आ गए। विक्की। हाय पापा, आप कैसे हैं अंकल? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पहले से बहुत बेहतर। हाय, आई एम किशोर। अरे सॉरी बेटा, ये किशोर है, तुम्हारे चाचा के होने वाले दामाद। जी जी जी। आप मुझे लेने कैसे आ गए? नहीं, वो एक्चुअली मेरी बहन भी इसी फ्लाइट से आई है। इसी फ्लाइट से? वो देखो, वो रही, आ गए। हाय। ये कहाँ से आ गई? हाय भैया। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। कैसी हो बेटा? हाय अंकल। मैं अच्छी हूँ। पापा आप इसे जानते? हाँ, उमा की सगाई में सारा इंतजाम इसने किया था। ये मेरा बेटा विक्की। हाय। हाय। तुम लोग एक ही फ्लाइट में थे, तुम लोग मिले नहीं? थैंक्स अ लॉट विक्की, इट वाज ग्रेट। अब बोलो। बेचारी को फ्लाइट में पेन दिया था इसलिए थैंक्स कह रही थी। सच बोल रहे हो ना? प्रॉमिस पापा, सच कह रहा हूँ। तूने अभी झूठ बोला ना? जीजा जी, इससे मिलो, मेरा बेस्ट फ्रेंड। अरे वो सब छोड़ यार, तूने झूठ बोला कि नहीं? तुम्हें कैसे पता कि अभी इसने झूठ बोला? अरे मैं इसके रग रग से वाकिफ हूँ, जब भी ये झूठ बोलता है मैं जल्दी लेट होगा। बाय बाय, बाद में मिलेंगे। चल चल चल। अरे हाँ हाँ, बाद में मिलते हैं, बाद में मिलते हैं। बाय। चलो रंगा, सामान गाड़ी में रखो। जी बेटा, तुमने किशोर की बहन से ऐसा क्या कहा? वो बहुत गुस्से में लग रही थी। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा पापा। सच कह रहे हो? प्रॉमिस पापा, मैंने कुछ भी नहीं कहा उससे। अरे जरा संभाल के, हम लड़की वाले हैं। विकी, विकी, गुड मॉर्निंग बेटा। हाय चाची। ये लो कॉफी पी लो। थैंक यू। हाय भैया, मेरे लिए क्या लाए हो? देखा चाची, कितनी लालची हो गई है ये। उमा जाओ, पूरा ब्लैक सूटकेस तुम्हारा ही है। थैंक यू चाची। विनोद, या इससे कोई भी उम्मीद मत रखिएगा।
क्योंकि बाद में आपका ख्याल मैं ही रखूंगा। मैं बताना भूल गई कि चाचा उठ गए क्या? उन्होंने कहा कि तुम उठ जाओ तो बता देना। अरे जल्दी करो, शादी में सिर्फ 20 दिन रह गए हैं, पता नहीं इतनी देर क्यों लगा रहे हो। चलो चलो जल्दी हाथ चलाओ। गुड मॉर्निंग चाचू। टाइम देखा 10 बज रहे हैं। वो कल रात को देर से सोया था। तो आखिर तुम्हें मास्टर्स डिग्री मिल गई? हाँ देखिए ना मेरा सर्टिफिकेट। ए भगवान, 2 साल लग गए डिग्री लेने के लिए, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती? अपने छोटे भाई से कुछ सीखो। अब मैं उससे सीखूं? हाँ, IIT से BTEC और IIM से MBA किया है, वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है, 5 लाख रुपए हर महीने कमाता है। तुम्हारे पापा सिविल इंजीनियरिंग में टॉपर थे, मैं मेडिकल एंट्रेंस में टॉपर था। हालांकि बाद में मेरी दिलचस्पी कंस्ट्रक्शन में हो गई, पर मैंने कभी पढ़ाई से मुंह नहीं फेरा, कभी नहीं। भाई साहब, आपके भाई विकी को लेक्चर दे रहा है। अपनी पूरी फैमिली में अगर कोई नालायक और निकम्मा है तो सिर्फ तू है। देखिए फिर से शुरू हो गया। मैं तुझे एक ही बात बार बार कहता रहता हूँ विकी, पर तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चाचू वो बाबा। बेटा तुम किशोर की बहन को पहचानते हो ना? हाँ, निकी ना। रिवाज के मुताबिक उसे कुछ तोहफे देने हैं। तुम उसे शॉपिंग पे क्यों नहीं ले जाते? और उसे जो कुछ भी अच्छा लगे उसे बेहिचक खरीदवा देना, पैसों की फिक्र मत करना। ये तोहफे वोफे की क्या जरूरत है, लिफाफे में कैश डाल के दे दीजिए उसे। विकी, तुम्हारा मशवरा किसी ने नहीं मांगा है, अपने पापा की बात मानो। मैं निकल रहा हूं, तो कभी मना नहीं करता। ये कैसा बिहेवियर है? क्या मुझे उस विक्की के साथ शॉपिंग जाना होगा? आपका दिमाग तो ठीक है ना पापा? निकी, पापा से ऐसे बात नहीं करते, संस्कार भूल गई क्या? अरे तुम बीच में मत बोलो, तुम अंदर जाओ। ठीक है, मैं किसी के भी साथ शॉपिंग जा सकती हूँ पापा, पर उस आवारा के साथ नहीं। वैसे तुम कौन हो? वही आवारा? नहीं नहीं, मेरा मतलब विकी, कृष्ण प्रसाद जी का बेटा। सुनिए जी, निकी को समझा दीजिए, अगर उस लड़की के सामने उसने ऐसे बात की तो हम लोगों की क्या इज्जत रह जाएगी। ये विक्की है, कृष्णा प्रसाद जी का बेटा। ये कब आया? बेटा कॉफी। आज ही कॉफी पीनी छोड़ दी, थैंक यू। अरे यार लीजिए। तुमने बनाई है? थोड़े बिस्किट ले आती। हाँ, अभी लाती हूँ। इतनी जल्दी पी ली? वो मुझसे रहा नहीं गया। बाप रे, ये पौधा भी मुरझा गया। पापा मैं रेडी हूँ। निकी। What? Sorry, वो मुझे तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। अब रिश्तेदार बन रहे तो सब नॉर्मल कर देते हैं ना। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अपनी हद में ही रहूंगा। नो फ्लर्टिंग, नो चीप जोक्स। मैं वही करूंगा जो तुम चाहती हो। शाम 6 बजे से पहले घर आना है। डन। उमा। हाय निकी। हाय, कैसी हो? तुम अंदर क्यों नहीं आई? मम्मी ने कहा कि शादी से पहले घर के अंदर ना जाओ। भैया आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हाँ भैया। भैया अगर मम्मी पूछेगी तो मैनेज कर लेना प्लीज, तो हम चले। ओके बाय। एक्सक्यूज मी। सुनिए मैडम। हो गया तुम्हारा, अब चलें। मैंने कुछ खरीदा ही नहीं है, कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। ऐसा क्या? एक्सक्यूज मी मिस। थैंक यू। सर ये मैडम कौन है? दूर की रिश्तेदार। ओ हाँ, इतना इजीली फ्लर्ट कैसे करते हो? सिंपल है, थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है तो उनकी बहुत सारी तारीफ करनी पड़ती है और वो पड़ जाती है। सब लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती, लड़कों के मामले में हर लड़की की सोच और एक्सपेक्टेशन अलग होती है, उनके स्टैंडर्ड का लड़का हो तभी यहाँ करती है। अब तो तुम्हें डोपामाइन थ्योरी बतानी ही पड़ेगी। लड़कियों के सपने में लड़के ही मैन होते हैं, पर उन्हें प्यार होता है डोपामाइन से। तुमने कभी नोटिस नहीं किया क्या? एक सुंदर लड़की को प्यार होता है एक भद्दे लड़के से, और पढ़ाई में होशियार लड़की बैक बेंचर से प्यार करती है। या पर ऐसा क्यों होता है?
सब पावर का खेल है। जब लड़का लड़की से कम होगा तभी तो उसे नीचा दिखा पाएंगे और तुम्हारी जरूरत से ज्यादा कद्र करेगा। इसका फायदा उठा के तुम लड़कियां उसे अपनी कठपुतली बना लोगी। जो हीमैन होगा वो तुम्हारी एक बात नहीं मानेगा, पर डॉबरमैन ऐसा नहीं करेगा। वफादार होगा, इसी डर में जीता रहेगा कि कहीं तुम उसे छोड़ ना दो। ये लो। इतना क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि मुझे तो भगवान राम जैसे किसी लड़के की तलाश है। क्या मुझे ऐसा लड़का मिलेगा? बताओ ना, मिलेगा या नहीं? हो सकता है मिल जाए, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। तो फिर तुमने मुझे आइंस्टाइन थ्योरी की जगह डॉबरमैन की थ्योरी क्यों सुनाई? अब तो मुझे फिक्र होने लगी है कि पता नहीं मुझे कैसा लड़का मिलेगा। बात क्या है? लीव मी अलोन। निकी, कुछ कहूं तुमसे? आज सुबह तुम मेरे साथ आना नहीं चाहती थी पर आ गई। डिनर का प्लान नहीं था पर तुमने खाया। तुम्हें 6 बजे तक घर लौटना था पर हम अभी तक बाहर ही हैं। इसमें कुछ भी गलत हुआ क्या? नहीं ना, लाइफ ऐसी है निकी, प्लान के मुताबिक कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारी किस्मत में राम जैसा लड़का है तो मिलेगा, पर अगर तुम्हें उससे भी अच्छा लड़का मिला तो राम की कोई जरूरत नहीं। तो भगवान से अपनी चाहत मत मांगो, उसे मांगो जो तुम्हारे लिए सही हो।